someone is coming. Okay? Bye. आइए आइए मैडम इलू मैडम मैं इस आदमी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैडम इसने आपसे इलू का और इलू का मतलब आई लव यू मैडम मेरा मतलब ये नहीं है मेरा मतलब है कि जिसके खिलाफ हम एफआईआर लिखवाना चाहते हैं उसका नाम है इलू ईटर और तुम्हारा क्या नाम है चालू चीटर सॉरी बाप का नाम कंफर्म नहीं है मैडम मम्मी और डैडी में हमेशा इस बात पे झगड़ा चलता रहता है कि हम किसकी औलाद हैं कर करा के बहरहाल हम वांटेड हैं गोपी गोपी कम एंड अरेस्ट दिस मैन ये एक वांटेड आदमी है अरेस्ट हिम अरेस्ट हिम अरे हमारा नाम है वांटेड वाधवा वो क्या है कि जब हम पैदा हुए थे तो हमारे डैडी एक धोबिन के साथ छेड़छाड़ के मामले में वांटेड थे ओके तो हमारा नाम पड़ गया वांटेड कर करा के कान के नीचे मारूंगा एक चपेड़ छेती छेती बताओ किसके खिलाफ एफआईआर लिखवानी है ओ एंग्री ओल्ड मैन ज्यादा जो है बीपी हाई करने की तो जरूरत ना है वरना यही निमड़ जाएगा फिर उठा के मैं तो लेके जाऊंगी ना पोस्टमार्टम करने और भी मन में घने सारे काम है जाके कुर्सी पकड़ अपनी पेपर पढ़ और तू ओ कतई पॉज ले रहा ना जजमेंट ले रहा कि चौकी में कैसे जो है रिलेशनशिप हो रही सबकी मैडम हमारा एक पड़ोसी है जो अक्सर हमारे घर उस वक्त आता है जब हम खाना खा रहे होते हैं कर करा के और हमारी जो बीवी है टुल्ली वाधवा वो थोड़ी कोऑपरेटिव नेचर की हैं क्योंकि उनके फादर कोऑपरेटिव बैंक में मैनेजर थे अब वो तकल्लुफ में उससे खाने के लिए पूछ लेती हैं अरे मैडम हम लिहाज वाले इसलिए हम कुछ नहीं कह पाते अरे वो खाने पे एकदम टूट पड़ता है पिल पड़ता है एकदम भुखमरों की तरह सारा खाना खा जाता है मैडम मैडम आप उसे बुलाइए और उसे समझाइए कि वो ऐसा ना करे कर करा के बुलवाओ भाई इलू ईटर ने हम भी देखें कौन हो रहा भुखमरी का पेशेंट इलू ईटर खा पी के मैडम अरे मैडम आप इतना क्यों पीट रही है मैडम खा पी के देखो यार मैडम पीट रही है तो चुपचाप पीटते रहो ज्यादा सवाल मत पूछो क्योंकि सवाल से मैडम के दिमाग का बवाल जाग जाता है और एक बार मैडम का दिमाग बढ़िया गया है ना उसके बाद वो एक नंबर की जुल्मी हसीना मेरा मतलब है कातिल क्वीन मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली हो जाती है हो गया खा पी के ये और खाएगा तू अबे क्यों इस वांटेड के घर चला जावे तू खाने के टाइम पे और सारा खाना पेल जावे अरे मैडम इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है मैडम मैं तो इसके घर एक अच्छे पड़ोसी की नाते सिर्फ हेलो बोलने जाता हूँ मैडम खा पी के क्यों अबे क्यों बोल रहा है हेलो येलो हो रहा है इसका फेस बिना खाए थारे हेलो के चक्कर में अब क्या करूं मैडम रोज रोज भाभी जी मुझे खाने के लिए पूछ लेती है मैडम और मैं भाभियों को ना नहीं कह पाता हूँ मैडम खा पी के नहीं मैडम वैसे बात इसकी गलत नहीं है गलती इसकी है ही नहीं गलती इसकी बीवी टुल्ली की है क्यों पूछ लेती है रोज रोज खाने के लिए इसे हैं अरे हमने बताया ना कि हमारी बीवी जो है वो कोऑपरेटिव नेचर की है कर करा के क्योंकि उनके फादर कोऑपरेटिव बैंक में मैनेजर थे ना अबे कतई क्यों और इतनी कोऑपरेटिव बैंक प्राइवेट लिमिटेड ना बिन मांगे लोन बांटती फिर रही लोगों में और तू तू निकल थारा कोई दोस्त ना जी मैडम थैंक यू मैडम लेकिन मैडम भाई ऐसा है कानूनी रूप से जो है हम थारा कुछ ना कर सकते बट बाई चांस तू अगर जो है इंसानियत के नाते कुछ चाह रहा हो हेल्प तो इंसानियत दिखा और 10,000 डीले कर तो फिर हम मिला है हाथ पैर तो ये व्यवस्था है ये लीजिए मैं अभी आपको चेक काट देता हूं ये लीजिए भाई गुलगुलिया चेक निकल आया है तो जरा आइडिया निकालो आ रहा है मैडम आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही टनक टनक टाइम टाइम सनन सनन साय साय आइडिया आ रहा है आप जरा दरवाजे के पीछे तो आइए मेरा मतलब है सुनिए तू मारी शादी के बाद मारी सास की शादी में फॉल लगाएगा तू ऑफ कोर्स फॉल और तू सुन भाई सलमान खान वांटेड भाई
यो एक घना कॉम्प्लिकेटेड आइडिया हो रहा है। आगे से जब भी कभी वो थारे घर में आवे, मतलब डोर बेल बजा के जो है आने की कोशिश करे, दरवाजा खटखटावे, तू दरवाजा कतई ना खोल ना। कई दिन तक लगातार जब वो डोर बेल बजाता रहेगा और जो है फिर एक दिन बोर होके अपने आप आना बंद कर देगा वो। बिल्कुल सही आइडिया है, एकदम सही आइडिया है। वो घंटी बजाए या घंटा, हम दरवाजा खोलेंगे ही नहीं कर करा के। कवाल का आइडिया यार, कवाल। कवाल का। आए। आए। मेरे समोसे के भाग गया था, मोड़ पे जाके पकड़ा जी। वेरी गुड यार, थैंक यू। अब मम्मी जी मेरे समोसे। अबे ओ दलिया वलिया खाया कर, वैसी दांत जो है गिरने की स्थिति में हो रहे हैं। और भाग मत ना, निमट गया अगर मोड़ ओड़ पे तो उठाने ना जाएंगे हम। ताजे समोसे खा लो ताजे। अंकिल आपकी लेस खुली है, आप गिर जाओगे। थैंक यू यार। लेस तो बना हुआ है। सॉरी अंकिल। सॉरी तो लग गया, दिमाग खराब कर देता है। पत्थर खन्ने में बचे, रुक जा तू। मैडम नहीं। हाँ नहीं। हाँ हाँ अबे तू और थारी बीबी तुल्ली ना, दोनों जो है यही सेटल हो जाए। अपना बोरिया बिस्तर लेके आ जाओ, एक बेडरूम बनवा देते हैं हम यही चौकी में दोनों मियां बीवी का। अरे तो हम क्या करें मैडम। अरे वही करो जो हमने कहा है यार। अरे वही किया, इलू इटर हमारे घर पे आया और उसने हमारे घर की डोरबेल बजाई, हमने दरवाजा नहीं खोला, तो उसने सोसाइटी में जाके ये शिकायत कर दी कि हम डोरबेल बजा रहे हैं और अंदर से कोई खोल नहीं रहा है, शायद अंदर कोई मर्डर वर्डर हो गया है कुछ कर कर आके। अरे मैडम उसके बाद हमें घंटे सुनाई देने लगे। अरे सोसाइटी वालों ने फायर ब्रिगेड को बुला लिया था और उन लोगों ने हमारे घर का दरवाजा और खिड़की तोड़ दी। और मैडम सोसाइटी वालों ने हमें बहुत झाड़ा और हमारी सोसाइटी की जो सेक्रेटरी है ना मिसेज आहूजा, उन्होंने हमारे गाल पे चांटा मारा और हमारे घुटने छील दिए। अबे फायर ब्रिगेड के घंटे सुन के तो दरवाजा खोल लेना चाहिए तेने। आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही दही चटक्कन मिर्च नमक्खन आइडिया आ रहा है। देखो यार ये इलो ईटर तुम्हारे घर में इसलिए आता है ना क्योंकि तुम्हारी बीवी बहुत अच्छा टेस्टी खाना बनाती है, तो तुम एक काम करो इस इलू ईटर को अपने घर पे खाने के लिए इनवाइट करो, उसके बाद तुम्हारी बीवी ने जो सब्जी बनाई है ना उसमें बहुत सारी लाल मिर्च डाल दो, एक बार इलू ईटर वो सब्जी खाएगा उसके बाद तुम्हारे घर में कभी नहीं आएगा। अरे कैसे डालते हैं, फायर ब्रिगेड ने हमारे घर पर पानी भी तो मारा था, उसमें सारे घर के मसाले भीग गए तो मिर्च। नो प्रॉब्लम, हमारे पास थर्ड डिग्री में जो लाल मिर्च यूज करते हैं ना वो पड़ी है, वो देता हूँ तुम्हें। अरे देखना ऐसा असर होगा कि वो तुम्हारे घर में कभी नहीं आएगा, नेवर एवर एवर नेवर। यार कमाल का आइडिया देते हो तुम। क्या बात है, लाल मिर्च खाएगा। मैडम जैसा कि आपने कहा था तो आपके कहने पे हमने इलू उटर को अपने घर पे खाने पे बुलाया। तो आया? हाँ वो आया। तुम्हारी बीवी ने खाना पकाया? हाँ पकाया, और मैडम हमने उसके खाने में मिर्चा भी मिलाया, और मैडम उसके बाद वो हमारी बीवी पे भड़क गया, बोला कैसी औरत हैं आप, आपको खाना बनाना नहीं आता, आपको तो शर्म से डूब जाना चाहिए। उसके बाद मैडम हमारी बीवी फूट फूट के रोने लगी क्योंकि मैडम खाने के मामले में वो थोड़ी इमोशनल है। मैडम उसके बाद
उन्होंने उसकी सब्जी चखी तो वो समझ गई ये सब हमारा किया धरा है और हमारी वजह से उसकी बेइज्जती हुई है और गुस्सा होकर अपने मायके चली गई। मैडम इस बात की शिकायत इलू ईटर ने हमारी सोसाइटी की सेक्रेटरी मिसेज आहूजा से कर दी। मिसेज आहूजा ने हमारे गाल पे जोरदार चाटा मारा और हमारी पीठ छील दी। भाई इस सिचुएशन में हमारे दिमाग में हमारा ये एक आइडिया आ रहा है। बालको। हाँ जी जी मम्मी जी। आज रात को होगी इस चौकी में एक डिनर पार्टी। भाई इलू को बुलवाओ और इसकी बीवी को मायके से बुलवाओ और बोलो कि खाना पकाए। आज का डिनर होगा इलू का आखिरी डिनर। इलू जी ये चिकन मैंने खास आपके लिए बनाया है। अरे वाह भाभी थैंक यू सो मच। भाभी आप कितनी कोऑपरेटिव है भाभी। भाभी जी अगर थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी हो जाए ना तो मजा आ जाए खा पी के है ना। लेकिन एंटरटेनमेंट क्या हो सकता है यहाँ टीवी वीवी तो है नहीं। बचाओ 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 अरे पेट दर्द से मरा जा रहा हूँ मैं खा पी के। मैडम को डॉक्टर को बुलाओ मैडम डॉक्टर को बुलाओ। अबे क्या हो गया डिनर में बिगिन। ओ गुलगुले। अबे यार इस वक्त कोई डॉक्टर डॉक्टर मिलेगा के। हाँ 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 मैडम हाँ गोपी डॉक्टर। हाँ हाँ एक डॉक्टर ने ना मेरे पे साइकिल चढ़ा दी थी मैंने उसको पकड़ के अंदर किया हुआ है अभी बुलाता हूँ। हाँ डॉक्टर साहब लॉकअप से अपने आप बाहर आ जाओ आओ इधरा। ओ काफी के ओ डॉक्टर साहब देखो इनको जरा क्या हुआ है। यहाँ दर्द है यहाँ पे। क्यूज मी भाभी ओ माय गॉड ये क्या हुआ क्या हुआ इनके पेट में तो भयानक तरह का कैंसर है जो ज्यादा खाने से होता है। अगर एक घंटे में इसका ऑपरेशन नहीं हुआ तो इसे कोई नहीं बचा सकता। ये आखिरी स्टेज की लास्ट स्टेज पर है। ओ माय गॉड मैडम आप जोड़ता हूं मैडम मुझे बचा लीजिए मैडम। एम्बुलेंस बुलाओ एम्बुलेंस काफी के। अबे ना अब क्यों बुलाओ एम्बुलेंस ना जब तू लोगों के यहां जा के भसक भसक के खाना खा बे तब तेने रियलाइजेशन ना हुई नहीं भुगत। नहीं मैडम देखिए प्लीज मुझे बचा लीजिए मुझे मरना नहीं है मैडम खा पी के प्लीज मैडम प्लीज। ना उसका क्या फायदा होगा है एक बार सही होने के बाद तू फिर टूट पड़ेगा ठूस ठूस के खाएगा अपने पड़ोसियों के यहाँ। ना ना तू निमट ले। नहीं मैडम मैं कसम खाता हूँ मैडम आज के बाद मैं अपने ही घर में खाना खाऊंगा मैडम खा पी के। मैं लौकी और खिचड़ी खा के पूरी जिंदगी बिता लूंगा लेकिन किसी के घर नहीं जाऊंगा मैडम प्लीज मैडम मुझे बचा लीजिए खा पी के मैडम प्लीज। पक्का पक्का मैडम श्योर आई एम श्योर मैडम पक्का प्रॉमिस। यस गोपी। हाँ जी जी मम्मी जी। निकाल संजीवनी। ये पेन किलर है, है? अभी देता हूँ अभी तुम्हारा पेन ठीक हो जाएगा। हाँ जी आ करो। अरे ओ कतई एकदम ओरी आइटम गर्ल ओरी सरसों का खेत ओरी कतई मटकने में घना इंटरेस्ट आ रहा चौकी में नाच ली एकदम शर्माया लुटवा ली मस्टर्ड ऑयल। अरे अरे मेरा दर्द ठीक हो गया पहले से बेटर है पर मेरी वो बीमारी वो ऑपरेशन। बेटा एक बात आज जो है ना तू अपनी याद रख ले और गांठ मार के रख ले हो सके तो। आज के बाद जो तैने इस बांटेड बादवा को तो छोड़ किसी और पड़ोसी के यहाँ भी जो है जाके खाना खाने की अगर सोची तो ईब तो बीमारी लगी ना है तैने ऐसी बीमारी दूंगी कि कोई डॉक्टर दुनिया का थारा इलाज ना कर पाएगा। Yes! समझ गया मैडम प्रॉमिस करता हूँ मैडम आज के बाद मैं किसी के घर जाके खाना नहीं खाऊंगा मैडम। भाई साहब माफ कर दीजिएगा भाई साहब आज के बाद मैं आपके घर में कभी भी आके खाना नहीं खाऊंगा खा पी के। और भाभी जी मुझे माफ करना भाभी जी
मैं आज के बाद आपके घर नहीं आ पाऊंगा भाभी जी खा पी के। अरे नहीं नहीं इलू जी ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप? अरे वो कतई इलू जी तुल्ली घड़ी को ऑपरेटिव हो रही है बेट्रेस कम कुक कम डांसर। अपने पति के अलावा और ज्यादा कहीं एंटरटेन करने की जरूरत ना है। और तू कतई जो है ना हंसी का एकदम हसुल्ला रसगुल्ला हो रहा है, थोड़ा कम हंसा कर, थारे चक्कर में हो गई बीवी ऐसी। हाय लेकिन एक बात तो कहनी पड़ेगी, भाभी के हाथों में जादू है, मतलब कमाल का खाना था है। मन कर रहा है कि भाभी के हाथों को चूम लूं। आइए आइए अबे ईब क्या हो गया? मैडम वही जो पहले हुआ था कर करा के। मैडम क्या है, कुछ ही दिन पहले हमारे पड़ोस में एक नया पड़ोसी आया है, मेरे ऑफिस जाने के टाइम पे वो आता है और मेरी गाड़ी की चाबी लेके मेरी गाड़ी में बैठ के अपने ऑफिस चला जाता है। मैडम अब हम लिहाज वाले हैं तो हम कुछ कह नहीं पाते, बताइए हम क्या करें कर करा के। अबे तो थारी गाड़ी की चाबी ना उसने मिलती कहाँ से? अरे मेरी बीवी टुल्ली दे देती है, मैं आपको बता चुका हूँ ना कि वो बहुत कोऑपरेटिव नेचर की है कर करा के। अब मैडम आप बताइए इसका क्या इलाज है? भाई इसका तो ईबे की इलाज है। क्या?